हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी एजी वसीम चैनल में। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम रियलमी नार्जो 50 के बारे में बात करने वाले हैं। गाइस, इसमें मुझे एक अपडेट देखने को मिला था जो कि 56 MB के अप्रॉक्स था, और उसमें गाइस कुछ भी मुझे नया चीज़ें देखने को नहीं मिली, सिंपली सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिला था उसमें। लेकिन गाइस यहाँ पर अभी आपको मैं दिखाऊँ तो अबाउट डिवाइस में जाएंगे तो ये ऑलरेडी रियलमी Y3 पे चल रहा है और एंड्रॉयड 12 भी देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं वर्जन दिखा रहा है क्लियरली। अब गाइस यहाँ पे मैं जब गया अपडेट करने के लिए, उस टाइम मैंने अपडेट नहीं किया था, और गाइस यहाँ पे अपडेट करने मैंने गया तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं गाइस की ऑफिशियल वर्जन यहाँ पे आ चुका है रियलमी UI 3 का, जैसे कि आप देख सकते हैं 2.24 GB का देखने को मिलता है, तो काफ़ी बड़ा अपडेट है। और इसका वीडियो हमने ऑलरेडी दे भी दिया है, ऑफिशियल वर्जन का भी हमने अपडेट करके उसका रिव्यू कर दिया है, क्योंकि इस मेरे पास दो नार्जो 50 था, तो गाइस उस टाइम पे मैंने बीटा वर्जन उसमें पहले ही अपडेट कर दिया था, जिसके वजह से जल्द ही मुझे ऑफिशियल वर्जन भी देखने को मिल गया था। इसमें हमने बाद में अपडेट किया था इसलिए इतना लेट आया, और गाइस ये स्टेबल अब जाके हुआ। तो अगर आपको स्टेबल वाला ये वीडियो देखना है, इस अपडेट के रिव्यू देखना है बेसिकली, तो उसका वीडियो हमने ऑलरेडी दे दिया है, वो वीडियो आप जाके जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको थंबनेल दिख रहा होगा, ये वीडियो आप जाके जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। भाई गाइस यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि अभी ये तो स्टेबल हमने नहीं किया है, लेकिन गाइस यहाँ पे एक चीज़ गेम मोड में स्पेशली वहाँ पे अपग्रेड हो चुका है एंड कुछ नया लुक आ गया है, जिसके बारे में गाइस आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्त देखते रहिए वीडियो को एंड तक, एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस बेसिकली जो आपको नया ये गेम का लुक देखने को मिलता है, वो स्पेशली मैंने कहाँ से अपडेट किया वो मैं क्लियरली बता दूं कि प्ले स्टोर में मैं गया और यहाँ पे मुझे अपडेट वाले सेक्शन में देखने को मिला था, जैसे जाते हैं ना मैनेज ऐप एंड डिवाइस, यहाँ से गाइस मुझे देखने को मिला था वो गेम्स करके। आप यहाँ पे मतलब इसमें आपके आया होगा तो आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं, और गाइस नहीं इसमें दिख रहा होगा तो जैसे कि मैं यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो भी देखने को मिल जाएगा, लाइक यहाँ पर गेम्स हम सर्च करते हैं एंड गाइस यहाँ पे ऐसे तो नहीं दिख रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आया था जो कि मैंने अभी बताया ना आपको, इस पर क्लिक करने के बाद देखने को मिल जाता है, तो उसी के थ्रू मैंने इसमें अपडेट किया ये वाला, और उसके बाद से यहाँ पे मुझे नई सेटिंग्स देखने को मिले थे। और पता नहीं गाइस यहाँ पे रियलमी नार्जो 50 अभी क्यों इतना स्मूथ चल रहा है, ये इतना लैग करता था बट अभी मुझे इसमें बहुत ही मस्त स्मूथनेस देखने को मिल रही है क्लियरली गाइस। यहाँ पे फ्री फायर भी प्ले करके दिखाऊंगा कि अभी कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है। सो यहाँ पे गाइस चलते हैं गेम मोड में एंड यहाँ पे न्यू लुक के बारे में आपको दिखा देते हैं, बेसिकली गेम में चलेंगे एंड गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक्सप्लोरर करके आता है, मतलब भर भर के एड्स हर जगह, इस एप्लीकेशन में भी देख सकते हैं एड्स भर दिए हैं गाइस यहाँ पे क्लियरली। ये बहुत ही मुझे बेकार लगा, मतलब माई गेम में आपको आना पड़ेगा उसके बाद ही गेम प्ले कर सकते हैं। एंड यहाँ पे भी देख सकते हैं ये एड्स दूसरा कोई गेम का एड्स दे रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे ऐसे आपको स्लाइड कर सकते हैं या डायरेक्टली आप क्लिक करके प्ले भी कर सकते हैं जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। बाकी यहाँ पे इसकी सेटिंग की बात करें तो सबसे पहले इस यहाँ पे स्विच लेआउट पे देखने को मिल जाता है, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा आपको आ जाता है जो कि ठीक लगता है। यहाँ पर मतलब एड्स देखने को नहीं मिल रहा है आप देख सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट ये वाला जो है ना वो मस्त लग रहा है, ऐसे स्क्रॉल करने पे काफ़ी मस्त साउंड आ रहा है कट 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 करके। ओके, और गाइस यहाँ पे सेटिंग की बात कर लें लाइक, तो देख सकते हैं गेमिंग सेटिंग जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा सेम टू सेम ही देखने को मिला है जो पहले देखने को मिलता था, लाइक ब्राइटनेस लॉक देखने को मिल जाता है। यहाँ पे नोटिफिकेशन स्टाइल आप चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बुलेट की तरह जाएगा गोली की तरह, तो ये आप सब चूज़ कर सकते हैं, तो वही सब यहाँ पे सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाता है। ओके, यहाँ पे फ्री फायर में चलकर मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या लुक देखने को मिल जाता है। सो यहाँ से सिंपली प्ले करते हैं एंड गाइस यहाँ पे आ चुके हैं, देख सकते हैं ये ओपन होने के बाद कुछ ऐसा अब लुक देखने को मिल रहा है, पहले ये देखने को नहीं मिलता था, और यहाँ पे ग्रीन कलर हो गया है जैसे कि आपको दिख रहा होगा साइड में ग्रीन दिख रहा होगा। अब इसको गाइस यहाँ पे स्लाइड करते हैं हम तो देख सकते हैं आपको गेम फोकस मोड बेसिकली ये चला जाता है, इसको एग्जिट करना पड़ेगा, उसके बाद आप स्लाइड करेंगे तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे ये FPS अब बड़ा बड़ा सा शो कर रहा है। बाकी गाइस मुझे लगा कि ये FPS शो करने की वजह से अब डायरेक्टली मतलब लाइव टेस्टिंग में FPS नहीं देख पाएंगे, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे गाइस आपको सिस्टम स्टेटस का अभी भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि मुझे काफ़ी बेटर लगा, और यहाँ पर अब ग्रीन शो कर रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं,
पहले वाला मुझे ज़्यादा बेटर लगा था, ये लो कलर में शो करता था। बाकी प्रो गेम मोड देखने को मिल जाता है, लो पावर मोड देखने को मिल जाता है। तो ये बेसिकली परफॉर्मेंस को इन्हेंस करता है और बैटरी बैकअप को ज़्यादा कंज्यूम करेगा, क्योंकि जब भी परफॉर्मेंस कोई भी फ़ोन अच्छा प्रोवाइड करेगा तो बैटरी को ज़्यादा कंज्यूम करेगा ही। बाकी यहाँ पर और सभी सेटिंग्स काफ़ी हद तक सिमिलर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर टच ऑप्टिमाइजेशन भी देखने को मिल जाता है, तो सिंपली आप यहाँ पर अपने हिसाब से सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये गाइस पहले नहीं था और गाइस यहाँ पे अपडेट हो चुका है। मैंने ट्राई नहीं किया था, बट जब मैंने इसका वीडियो दिया था वॉइस चेंजर वगैरह का, तो वहाँ पे ये शायद से सेटिंग नहीं था। तो यहाँ से आप सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और गाइस ये मतलब मुझे क्लियरली लगता है कि ये बिल्कुल ही कॉपी किया गया है शाओमी के फ़ोन से गाइस, मतलब ये पहले सेटिंग इसमें था ही नहीं। और यहाँ पे मतलब ये अच्छा एटलीस्ट दिए दो, टच सेंसिटिविटी आप देख सकते हैं, स्वाइप मतलब स्वाइप ऐसे करते हैं वो सेंसिटिविटी है, और टच करने वाला सेंसिटिविटी, तो ये अच्छा मुझे लगा। बाकी और भी इसमें एक सेटिंग देखने को मिल जाता है, लाइक मिस टच वगैरह, ब्लॉक स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ये तो पहले से ही सेटिंग देखने को मिल जाता है। और गाइस वॉइस चेंजर भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है ये अपडेट करने के बाद, तो गाइस आप ध्यान रखिएगा अपडेट करने के पहले ये वीडियो देख लीजिए क्या दिक्कत आई है भाई। सो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं वॉइस चेंजर पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये लिख रहा है दिस गेम डजंट सपोर्ट वॉइस चेंजर, मतलब कि अब फ्री फायर में आप रियलमी के फ़ोन्स में वॉइस को चेंज नहीं कर पाएंगे। अब गाइस ये इशू पहले नहीं था, पहले यहाँ पे मैंने टेस्ट भी किया था और वहाँ पे गाइस शायद से मैंने आपको दिखाया भी था कि कैसे क्या होता है, और वॉइस भी चेंज करके दिखाया था। बट गाइस यहाँ पे अभी ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, मे भी गेम में जाने के बाद सपोर्ट कर ले, तो हम गेम में चल कर देख लेते हैं वहाँ पर वर्क करता है या नहीं। सो गाइस यहाँ पर रैंक नहीं खेलेंगे भाई, गेम हमारा चला जाएगा फ्री में। क्लास स्क्वाड ऐसे ही स्टार्ट करते हैं आपको दिखाने के लिए। ओके, तो गेम में एंटर करने के बाद माइक ऑन करेंगे, तो मैं भी अगर सपोर्ट करना हो तो कर ले, नहीं तो भाई कुछ किया नहीं जा सकता। तो मैं यही कहूँगा कि आप प्ले स्टोर वगैरह से अपडेट नहीं कीजिएगा, और आई थिंक कि जो रियलमी यू आई 4 आएगा उसमें ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, तो आपको अपडेट करना ही पड़ जाएगा। सो यहाँ पर माइक को ऑन कर लेते हैं, यहाँ से अब माइक को ओपन कर दिए, अब ऑन हो गया। ओके, सो यहाँ पे गाइस वॉइस चेंजर ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो क्लियरली भाई यहाँ पे इशू आ गया है, अब वॉइस चेंजर इसमें सपोर्ट नहीं करेगा, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। बाकी गाइस यहाँ पे एक चीज़ मैं कहूँगा कि पहले से परफॉर्मेंस मुझे इसमें अच्छी देखने को मिली, मतलब कि जो FPS का इशू था ना वो फिक्स हो चुका है ऑलमोस्ट। यहाँ पे FPS मुझे इसमें अब थोड़ा कंस्टेंट देखने को मिल रहा है, पहले से बेटर देखने को मिल रहा है, तो ये मुझे एटलीस्ट अच्छा लगा। ओके गाइस चलिए अब यहाँ से निकलते हैं गेम से बाहर। सो गाइस ओवरऑल मुझे ये इशू अब लगता है कि फिक्स नहीं होने वाला है। बाकी गाइस यहाँ पे फ्री फायर के परफॉर्मेंस के मामले में मुझे बेटर लगा, जल्दी कंपैरिजन वीडियो भी आएंगी, मैंने कंपेयर किया है किस फ़ोन से, तो वो आपको वीडियो लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। बाकी गाइस यहाँ पर अभी स्मूथनेस भी अच्छा प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा जिटर्स देखने को मिल रहे थे, जब भी मैं ऐसे स्वाइप अप कर रहा था तो वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा जिटर्स देखने को मिल रहे थे, बाकी अभी सही चल रहा है। बाकी उसको भी अपडेट करेंगे, लाइक जो आया था ना ऑफिशियल वर्जन रियलमी UI 3 का, तो उसके बाद पता चलेगा कि एक्चुअल में अभी कैसा परफॉर्मेंस रहता है, और मैं भी गेम मोड भी अपडेट हो जाए तो शायद से वॉइस चेंजर फिर से सपोर्ट करने लगे, तो उसके लिए आप वेट कीजिए। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त बाय बाय।